क्या फिजियोथेरेपी की जरूरत पड़ती है एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी के बाद? डिपेंड करता है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत लोग मेरे से पूछते हैं कि कितने दिन का रिहैब या कितने दिन की फिजियोथेरेपी हमें रिक्वायर्ड है। दो बातों पर ये निर्भर करता है। एक, अगर आपकी लंबर स्पाइन सर्जरी हुई है तो क्या आपको कोई प्री ऑपरेटिव वीकनेस थी, एक बात, और दूसरी बात आपकी हैमस्ट्रिंग्स कितनी ज्यादा टाइट है। मेरे प्रोटोकॉल में अगर पेशेंट्स की हैमस्ट्रिंग बहुत ज्यादा टाइट है तो मैं उनको लॉन्ग टर्म हैमस्ट्रिंग रिलीजिंग एक्सरसाइज या तो एक फिजिकल थेरेपिस्ट की मदद से, एक योगा थेरेपिस्ट की मदद से या फिजियोथेरेपी की मदद से मैं चाहता हूँ कि हैमस्ट्रिंग्स ढीली हो, नहीं तो फ्यूचर में फिर से डिस्क आने का रिस्क या सेम जगह पर रिकरेंट हर्निएशन होने का रिस्क बढ़ता है। दूसरी बात, अगर आपको लॉन्ग टर्म डिस्क रही है और लॉन्ग टर्म डिस्क आपको प्रॉब्लम दे रही है तो बहुत हाई चांसेस हैं कि वो जो डिस्क हर्निएशन है वो आपको वीकनेस जो आपको आई है वो वीकनेस घटाने के लिए, क्योंकि सर्जरी से मैं डिस्क तो रिमूव कर सकता हूं लेकिन वो वीकनेस नहीं हटा सकता, तो जो वीकनेस है उसके लिए हमें लॉन्ग टर्म फिजियोथेरेपी कभी कभी करनी पड़ती है। ये जरूरी है लंबर डिस्क हर्निएशंस में। सर्वाइकल डिस्क हर्निएशन एक अलग ही बॉल गेम है। सर्वाइकल डिस्क हर्निएशन में क्या होता है कि पेशेंट को अगर वीकनेस नहीं है तो इंस्टेंटली पेन चला जाता है और उसके बाद हम लोग कोई भी फिजियोथेरेपी जनरली एडवाइस नहीं करते, नमनेस धीरे धीरे ठीक हो जाती है। बट ये बात है सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी की। अगर आपको सर्वाइकल माइलोपैथी है या फिर आपका मेन सेंट्रल कॉर्ड दबी हुई है और आपको पैरालिसिस, हाथ पैरों में वीकनेस या बैलेंस की दिक्कत आ रही है या कोई भी थोरेसिक डिस्क होने की वजह से कोई बैलेंस की प्रॉब्लम आ रही है, आप व्हीलचेयर बाउंड हैं या रुक चल नहीं पाते या हाथों से सामान गिरता है या पैरों में झटके लगते हैं, तो आपको बहुत लॉन्ग टर्म फिजियोथेरेपी की जरूरत पड़ेगी। कभी कभी 2 महीने 3 महीने 6 महीने 7 महीने तक फिजियोथेरेपी चल सकती है और ये सब करने के बाद फिर पेशेंट को धीरे धीरे रिजल्ट मिलना चालू होते हैं। तो डिपेंड करता है सर्जरी किस कारण के लिए हो रही है। बट अगर मैं शॉर्ट में सिंपल करके बताना चाहूं और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बातें सामने रखूं तो अगर वीकनेस नहीं है और मसल्स बहुत ज्यादा टाइट नहीं है और आपको रिलेटिवली आपने जल्दी सर्जरी करा ली है तो फिजियोथेरेपी की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपको वीकनेस आ गई है, चाहे हाथों की चाहे पैरों की, अगर आपको हैमस्ट्रिंग बहुत टाइट है तो आपको फिजियोथेरेपी या ऑक्यूपेशनल थेरेपी या प्रॉपर गाइडेड योगा योगिक एक्सरसाइजेस करनी चाहिए जिससे कि आप जल्दी रिहैबिलिटेट कर पाएंगे और जल्दी रिलीफ हो पाएंगे। एक और बात, कुछ पेशेंट्स में पोस्ट ऑपरेटिव डिस्क जाने के बाद SI जॉइंट पेन भी होता है, सैक्रोइलियक पेन, उसमें भी फिजियोथेरेपी का बहुत अच्छा रोल है। कभी कभी हम लोग स्पाइनल इंजेक्शन भी देते हैं बट इनिशियली दवाई और फिजियोथेरेपी से ही पेशेंट को टैकल करते हैं जिससे कि वो ठीक हो जाते हैं। तो यदि आपको एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी हुई है तो अपने डॉक्टर से डिस्कस करिए कि आपको फिजियोथेरेपी प्रोटोकॉल उन डॉक्टर के हिसाब से क्या रहेगा। जो बेस्ट गाइड है वो आपके पर्सनल डॉक्टर हैं जो आपकी एंडोस्कोपी कर रहे हैं। मेरे पेशेंट्स में जो प्रोटोकॉल है वो मैंने आपसे डिस्कस किया और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो मुझे लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।